नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो वी न्यूज़। तो दोस्तों, वक्त हो गया दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। उससे पहले अगर आपने अभी तक जियो वी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जियो वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। अमित शाह बोले, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि राहुल गांधी के बयान का उपयोग भारत के खिलाफ हो रहा है। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज भी राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसकी पाकिस्तान में तारीफ होती है। आपको बताते हैं कि गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अनुच्छेद 370 पर रुख को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने आज कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि उनके बयान का उपयोग भारत के खिलाफ हो रहा है। अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस ने 370 को हटाने का विरोध किया। आज भी राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसकी पाकिस्तान में तारीफ होती है। उनके बयान को पाकिस्तान अपनी याचिका में शामिल करता है। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि उनके बयान का उपयोग भारत के खिलाफ हो रहा है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद का बड़ा बयान, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के लिए जनसंख्या को बताया जिम्मेदार। आपको बता दें, जितिन प्रसाद ने कहा कि जो चीज़ें देश के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं वही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या नियंत्रण देश के लिए बेहद अहम है और इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले राष्ट्रगान आता है, लोग और पार्टियां उसके बाद आते हैं। लिहाजा राष्ट्रहित में हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर मिलकर काम करना चाहिए। जहां एक ओर केंद्र की मोदी सरकार अर्थव्यवस्था में दिख रही मंदी के लिए विपक्ष की आलोचनाओं का शिकार है, वहीं ऐसे में कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद की तरफ से आया ये बयान सरकार को राहत दे सकता है। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा कि देश में आर्थिक मंदी के लिए जनसंख्या जिम्मेदार है। उन्होंने बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए जनसंख्या को जिम्मेदार ठहराया है। चार साल में रेलवे ने तत्काल टिकटों से कमाए 25,000 करोड़ रुपए, आरटीआई से मिली जानकारी। रेलवे के मुताबिक तत्काल योजना अभी 2,677 रेलगाड़ियों में लागू है और कुल 11.57 सीटों में 1.71 लाख सीट पर बुकिंग तत्काल कोटे के तहत होती है। प्रीमियम तत्काल सेवा 2014 में शुरू की गई थी। आपको बता दें, तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों से रेलवे ने गत चार साल में 25,392 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह जानकारी सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत मिली है। रेलवे ने वर्ष 2016 से 19 के बीच तत्काल कोटे से 21,530 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं 3,862 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्रीमियम तत्काल टिकटों से हुई है। तत्काल टिकट बुकिंग सेवा 1997 में चुनिंदा रेलगाड़ियों में शुरू की गई थी। इसका मकसद अचानक यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा देना है। वर्ष 2004 में तत्काल टिकट बुकिंग सेवा का विस्तार पूरे देश में किया गया था। नए ट्रैफिक नियमों को लेकर छिड़ा विवाद, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल ने लागू करने से मना किया। आज से देश भर में नया मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध भी शुरू हो गया है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में से कई ने इस कानून को लागू करने से मना कर दिया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने साफ कह दिया है कि वो इतने अधिक जुर्माने से सहमत नहीं है और इसे ऐसे लागू नहीं करेंगे। आपको बता दें, देश में यातायात सुरक्षा के लिए मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट 2019 लागू हो गया है। आज से मोटर वाहन संशोधन अधिनियम के 63 नए नियम लागू हो गए हैं। नए नियम में जुर्माने की रकम 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। इस बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल में सरकारों ने बागी रुख अपना लिया है। इन तीनों राज्यों में नए ट्रैफिक नियम लागू नहीं होंगे। तीनों राज्यों की सरकारों ने नए नियम के जुर्माने की रकम ज्यादा होने की बात कहते हुए लागू करने से इसे मना कर दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का शासन है। ऐसे में नए एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होने से कई सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने पूर्व पीएम को दिया ये जवाब। मनमोहन सिंह ने सुस्त अर्थव्यवस्था को बताया था चिंता। सुस्त अर्थव्यवस्था को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई टिप्पणी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया दी है। एएनआई के मुताबिक, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना में लिप्त होने के बजाय समझदार लोगों से बातचीत कर रास्ता निकालना चाहिए? क्या उन्होंने ऐसा कहा है? ठीक है, धन्यवाद, मैं इस पर उनकी बात सुनूंगी, यही मेरा जवाब है। अर्थव्यवस्था मंदी से जूझ रही है, क्या सरकार मंदी की बात स्वीकार रही है? इस सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं उद्योग प्रतिनिधियों से मिल रही हूं और उनकी समस्याएं और सरकार से भी वे क्या चाहते हैं इस पर सुझाव ले रही हूं। मैं पहले ही यह दो बार कर चुकी हूं, मैं यह बार बार नहीं कहूंगी।
सरकारी बैंकों के विलय से किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रस्तावित विलय से कर्मचारियों की नौकरी जाने के खतरे की चिंता को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि विलय के इन निर्णयों से किसी एक भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। सीतारमण ने नौकरी जाने के बारे में बैंक यूनियनों की चिंताओं के बारे में संवाददाताओं से कहा कि यह बिल्कुल तथ्यहीन बात है। मैं इसमें से हर बैंक की सभी यूनियनों एवं लोगों को यह आश्वस्त करना चाहती हूँ कि वे शुक्रवार को मेरी कही गई बात को याद करें। जब हमने बैंकों के विलय की बात की तो मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, किसी को भी नहीं। सीतारमण बैंकों के प्रस्तावित विलय का बैंक के कर्मचारी यूनियनों द्वारा विरोध किए जाने पर पूछे गए सवाल पर जवाब दे रही थी।